नमस्कार, कार्यक्रम परख में आपका स्वागत है। अंग्रेजी का एक शब्द है जिसे कहते हैं पब्लिक डिस्कोर्स, इसका अगर हिंदी में तर्जुमा किया जाए तो सार्वजनिक संवाद। अक्सर कई विषय होते हैं जो सार्वजनिक संवाद में रहते हैं, मसलन भ्रष्टाचार बहुत सालों से सार्वजनिक संवाद में है, गरीबी बहुत सालों से सार्वजनिक संवाद में है, बेरोजगारी बहुत सालों से सार्वजनिक संवाद में है, लेकिन एक शब्द है जो सार्वजनिक संवाद में रहा है पिछले कुछ सालों से, क्या वो कम हो रहा है या उसके माने बदल रहे हैं, वो है धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। उसकी जगह एक और शब्द आया हमारे सार्वजनिक संवाद में, पब्लिक डिस्कोर्स में, जिसको छद्म धर्मनिरपेक्षता कहा गया, स्यूडो सेक्युलरिज्म कहा गया। सेक्युलरिज्म क्या है? मेरे साथ हैं श्री सुरेंद्र जैन, आप इंचार्ज हैं बजरंग दल के और ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं विश्व हिंदू परिषद के। श्री अभिषेक मनु सिंघवी, आप प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। सुश्री कमलेश जेकब, आप शिक्षाविद हैं और हमारे इस कार्यक्रम की न्यूट्रल एम्पायर हैं। और हमारे विशिष्ट जो मेहमान हैं उनमें हैं श्री शेषाद्री चारी, आप ऑर्गेनाइजर के संपादक हैं। श्री जॉन दयाल, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं। फादर डोमिनिक, श्री वीपी सिंघल, श्री अनिल शास्त्री, श्री जावेद नकवी और दूसरे मेहमान। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने बहुत महत्वपूर्ण बहस शुरू की है। सेकुलरिज्म का अर्थ भारत में हिंदू का विरोध, इस्लाम, ईसाइयत और साम्यवाद की रक्षा। जो काम इन तीनों की रक्षा में करें, यानी अगर जामा मस्जिद के अंदर जाकर और वहां बुखारी को नमन करके और उसकी रख रखाव के लिए, मरम्मत के लिए पैसे दिए जाएं, तो वह सेकुलरिज्म में आएगा। गोधरा का विरोध ना किया जाए, वो सेकुलरिज्म में आएगा। अब मैं तो सेकुलरिज्म को बहुत गलत ढंग से दुरुपयोग किया गया। जॉन दयाल साहब, ये विचार है, इससे डिफाइन होता है सेकुलरिज्म क्या है जी। जो आदमी इनके जैसा नहीं सोचता वो सेक्युलर है, जो मंशा इनके बिल्कुल सोच के विपरीत है वो सेक्युलरिज्म है। कहाँ से उठा के बात कहाँ ले गए? सेक्युलर देश में हिंदुस्तान प्लूरल सोसाइटी है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भिन्न भिन्न रंग है, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न धर्म है, को एग्जिस्टेंस करना है। अगर राष्ट्र, राष्ट्र की सरकार किसी एक का साथ देगी तो बाकियों के साथ अन्याय होगा, सेक्युलरिज्म नहीं रहेगा। देखिए, इस विषय में जैन साहब ने जो कहा उससे मैं एक कदम आगे जाना चाहूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर शब्द हमारे देश में आया, परंतु कॉन्स्टिट्यूशन ने सेक्युलर शब्द को डिफाइन नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट डिफाइन द वर्ड सेक्युलरिज्म। ये बहुत बड़ी एनोमली है। और दूसरी बात, हम जब सेक्युलरिज्म को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, वास्तव में सही शब्द होना चाहिए पंथ निरपेक्षता। और इस देश में शुरू से ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने मन के अनुसार अपने अपने पंथ का या इष्ट देवता का नमन करने का अधिकार रहा है। इसीलिए धर्म निरपेक्ष रहने के बजाय पंथ सापेक्ष या धर्म सापेक्ष इस प्रकार की सरकार रहे, जो सभी धर्मों को, सभी पंथों को समान अधिकार दे। आज के दिन ऐसा माहौल होना चाहिए। और दूसरा, आज के दिन ऐसा माहौल है क्या? सेक्युलरिज्म से मैं टॉलरेंस को नहीं जोड़ता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हिंदू अपने आप में दूसरे से टॉलरेट करने की क्षमता को नहीं मानता है। आई डोंट टॉलरेट जॉन दयाल, आई रिस्पेक्ट हिम। टॉलरेंस में क्या होता है, एक बड़प्पन और एक छोटापन होता है, ये गलत है। सेक्युलरिज्म शुड एक्चुअली मीन रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ, इट इज नॉट मियर टॉलरेंस। और इस बात को मुझे लगता है एक फिलोसॉफिकल लेवल पर भी और एक प्रैक्टिकल लेवल पर भी देश को समझना चाहिए जी। आप क्या कहेंगे? मन दो चीजें मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि काफी चीजें कह दी गई हैं। पहली बात तो जहां तक संविधान का सवाल है, ये गलत है कि संविधान में सेक्युलरिज्म नहीं है, वो तो आ गया है हमारे टेक्स्ट में, उसके बाद वो परिभाषित भी हो गया है। उच्चतम न्यायालय ने बहुत वेल नोन जजमेंट में, 9 जजेज ने बोम्बई केस में सेक्युलरिज्म को परिभाषित किया है पूरी तरह से। उसमें धर्म निरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता है, उसमें सर्वधर्म संभाव है, ये सब कॉन्सेप्ट हैं। और सबसे जरूरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है, जो कि अभी लगा जैन साहब की बात सुन के, कि शायद सेक्युलरिज्म को संविधान में होने के बावजूद नहीं होना चाहिए था। आज की तारीख में बोम्बई केस में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है, निर्णित किया है कि सिंघवी और अगर मैं हिंदू धर्म को नहीं समझ सकता, हिंदू धर्म
को अंडरस्टैंड अप्रिशिएट नहीं कर सकता तो मैं धर्म निरपेक्ष नहीं। जो लोग आज सेकुलरिज्म को नहीं समझ सकते हैं वो सही माने में हिंदू नहीं है। चल शास्त्री जी ने एक बहुत अहम बात कही है महात्मा गांधी को कोट करते हुए कि यू टेक एवरीथिंग अवे फ्रॉम मी बट माई रिलीजन, यानी वो अपने धर्म में इतने पक्के रहे कि उसको वो सर्वोच्च मानते थे। ऐसी परिस्थिति में जब एक कन्वर्शन बिल के खिलाफ एक बिल लाया तमिलनाडु में, तो मुझे कोई ये समझाएं कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके जो तथाकथित लीडर्स हैं वो इसको एंटी सेकुलर मूव करके उसका विरोध करके 4,000 स्कूल बंद करने जा रहे हैं, क्यों जी? फादर डोमिनिक, इसका जवाब सीधी धमकी दी है तमिलनाडु के अंदर। अभी आई विल जस्ट कम बैक टू दिस। चर्च दबावपूर्ण कन्वर्शन को बिल्कुल नहीं मानती है। हमारा विरोध इसमें है कि अगर ये संविधान के अंदर निहित है और सार्वभौम घोषणा जो मानव अधिकार की है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 18, जिसमें एक इंसान के अंतकरण की बात है और अधिकार है, तो ये किस प्रकार से उनको चैलेंज किया जाता है? ये एक ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का इशू है। फादर साहब, फादर एक मिनट का प्रयोग ना करें। मैं इस देश में बिल्कुल पंथ संभाव था। जब इन्वेजन हुआ है मुसलमानों का, जिस तरह से हत्याएं करी है, रेप किया है दुनिया भर का, वो इस्लाम के नाम से करते थे, गाजी बनने के जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ क्यों नहीं तवज्जो देते हम लोग? अच्छा मुझे बताइए, काफिर के कॉन्सेप्ट है उसकी तवज्जो क्यों नहीं देते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं सिंगल साहब, आयु का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? दैट इज द एक्शन, व्हाट इज हैपनिंग टुडे इज द रिएक्शन। वी मस्ट कंडेम द एक्शन बिफोर वी कंडेम द रिएक्शन। जी एक मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर साहब, एक मिनट, मैं सिंगल साहब आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू कंफर्टेबल विद द सिचुएशन कि देश में क्रिश्चियंस के पास वोट है, मुसलमानों के पास वोट है, सिखों के पास वोट है? Are you comfortable? Absolutely. They must all have votes so long as they are citizens of this country. And why not? What I am uncomfortable? फिर historical revenge की बात क्यों कर रहे हैं आप? What I am uncomfortable? मतलब एक मिनट साहब, I'll come back to you. Let's talk. What I am uncomfortable about? Listen to that, please. जी. इस देश के इंडिपेंडेंस के बाद हमारे बचपन से हम एक प्रार्थना करते थे, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, क्या है फिर और क्या बने उसके बाद? ऑल गुड एस्पेक्ट्स ऑफ ए गुड सिटीजन वो उस प्रार्थना में थे। धर्म निरपेक्षता के नाम पे वो प्रार्थनाएं अबॉलिश हो गई। दैट इज व्हाट आई एम ऑब्जेक्टिंग। ओके फाइन, ये धर्म निरपेक्षता का कहां से अटैक हो रहा था इस पे? ओके प्रभु ये भी कहते हैं प्रभु, अब इनको बोलने दे, बारी बारी से मैं आता हूं। बड़ी प्रॉब्लम अराइज इसलिए करती है क्योंकि जो कुछ वोटरीज हैं सेकुलरिज्म के या धर्म निरपेक्षता के, वो समझते हैं कि सिर्फ उनकी परिभाषा सही है। इस कंट्री का अगर मैं मानूं तो एसेंस जो है, अस्मिता जो है, दो शब्दों में है, प्लूरलिस्टिक ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिस्टिक प्लूरलिज्म। दर्शकों को मैं पहले बता दूं, ये प्लूरलिस्टिक ह्यूमनिज्म आपने कहा है कि इसको समझने के लिए यही कह सकते हैं कि एक बाग में सिर्फ एक ही तरह के फूल क्यों हों, तरह तरह के फूल क्यों ना हों। जी अब अगर ये बात सही है तो ये क्यों मानते हैं सिंगल साहब या जैन साहब की जो इनकी परिभाषा है ये मेरे से बेहतर हिंदू क्यों है, ये मेरे से बेहतर ज्यादा हिंदू? नहीं, हम ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आपसे बेहतर हैं, आप भी उतने ही हिंदू हैं। नहीं, ये समझते हैं, हमने कभी नहीं कहा, ये हमारा दावा कभी नहीं था। ये समझते हैं कि हिंदुत्व जब तक ना हो, और हिंदुत्व और हिंदुइज्म में तो अब तो एक प्रकार से संवैधानिक न्यायालय द्वारा भी डिफरेंशिएशन किया गया है। जो एक हिंदुत्व क्या है, न्यायालय का हिंदुत्व क्या है, हिंदुइज्म क्या है, वो कोर है हिंदुइज्म का जो दूसरे किसी परिपेक्ष को, दूसरे किसी मत को नहीं मानता है। वो ये मानता है कि जैसे इस देश में अगर मुस्लिम भी हैं तो वो हिंदू मुस्लिम है, मोहम्मदिया मुस्लिम, हाँ वो होने भारतीय हैं वो सही है, लेकिन वो जब तक हिंदुइज्म को नहीं माने ये क्यों है? ये इसमें हमारी प्लूरलिस्टिक ह्यूमनिज्म कहां से आएगी? जावेद आप कुछ, एक सेकंड में लूंगा, आई विल कम बैक टू यू सर। नहीं ऐसे नहीं, एक मिनट। मैं तो ये कहता हूं कि जिसको हम हिंदू कहते हैं आज के जमाने में, वो तो खुद एक विदेशियों ने जो हमें डिस्क्राइब किया है, क्योंकि हमारे पुराण में वेद में आपको हिंदू लफ्ज मिलेगा नहीं, ये विदेशियों ने जो यहां पे लोग रहते थे उनको हिंदू पुकारा है। शिराजी का शेर है इस पे कि अगर आ तुर्क शिराजी बेदस्तारा दिले मारा, बिखाले हिंदू यश बख्शम समर कंदो बुखारा, यानी कि जिसके गाल पे सियाह तिल है उस तिल को डिफाइन करने के लिए उसने लफ्ज हिंदू का इस्तेमाल किया है। यहां पे एक कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है एक मजहब, क्योंकि अगर आप वोट डालने जाएं तो आप देखेंगे अजगर मजगर, अहीर जाट गुजर मुसलमान वगैरह राजपूत, और अगर वहां पे जाएं माई फैक्टर दिखाई देगा, मुस्लिम यादव हो जाता है। कहीं पे हिंदू को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, सैफरन वाले जो हैं उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बुरी तरह। मेरे ख्याल चाहिए साहब इस पूछना चाहिए, मैं समझता हूं आपको ध्यान में आ गया होगा सेकुलरिज्म को खतरा कहां है। देखिए
इन्होंने एक बहुत अहम बात उठाई है, उससे मैं काफी हद तक सहमत भी हूँ। हिंदू शब्द को रिसरेक्ट कौन कर रहा है? हिंदू शब्द की व्याख्या न सावरकर ने किया और न आरएसएस ने किया। मैं जानता हूँ आरएसएस के जो तीसरे सरसंघ चालक थे बाला साहेब देवरस, उनको पूछा गया कि हिंदू शब्द का आप डेफिनेशन क्यों नहीं करते, उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द की डेफिनेशन हम नहीं करेंगे, जो रूढ़ार्थ से हिंदू है वो हिंदू है। क्या ये सत्य है कि जहाँ तक मेरा सवाल है, हम सभी को एक कल्चरल एंटिटी मानते हैं। मैं अपने आप को जॉन दयाल साहब को कोई कम हिंदू नहीं मानता हूँ, और मैं चाहूँगा कि जॉन दयाल साहब भी कहें कि आई एम नो लेस ए क्रिश्चियन देन व्हाट ही इज, क्योंकि हमारे अगर वैल्यूज टैली होते हैं, इस देश के वैल्यूज के साथ हम जुड़े हैं, उससे अगर हम दोनों टैली होते हैं तो यहाँ पर कोई बातचीत ही नहीं। लेकिन एक बात जरूर है कि इफ ही वॉन्ट्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हिज क्रिश्चियनिटी एंड माई हिंदुइज्म, इफ ही वॉन्ट्स टू डिस्टिंग्विश हिज इस्लाम विथ माई हिंदुइज्म, और वो कहते हैं कि आप काफिर हैं, आप पेगन हैं, तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा दिल दुख जाता है। जी शास्त्री जी, चारी जी ने भी कहा कि अगर ये कहें कि आई एम नो लेस अ क्रिश्चियन देन व्हाट यू आर एज अ हिंदू, ये बड़ी मैग्नानिमिटी है, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है। लेकिन अफसोस ये है कि वास्तविकता जो ज़मीन पे जो हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि अगर जॉन दयाल साहब ये कहें कि मैं वाकई सच्चा क्रिश्चियन हूँ, आई एम अ ट्रू क्रिश्चियन, तो ये ऐसे कुछ तत्व हैं हमारे समाज में जिसके वजह से सेकुलरिज्म श्रिंक, जैसा शुरू में कहा कि ये लोग प्रयासरत हैं, वो बर्दाश्त नहीं करते, उनके जहन में ये बर्दाश्त नहीं हो पाता है कि कोई गर्व से कहे कि ये मुसलमान, ये हम खुद कह सकते हैं कि हमें गर्व है कि हम हिंदू है, लेकिन अगर कोई मुसलमान कहता है कि उसे गर्व है कि वो मुसलमान है, क्रिश्चियन कहता है कि उसे गर्व है वो क्रिश्चियन है, तो वो ऐसे तत्व जो हिंदू समाज में है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मंच का राजनीतिक दुरुपयोग करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू संगठनों को व्यर्थ में अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। मैं आप पर आता हूं, कृपया मुझे संचालन करने दें, एक मिनट आप रुक जाए, मैं आप पर अभी आता हूं। जी अब आप बोले। हाँ, कुछ लोग अनावश्यक रूप से वो सेफ्रोनाइजेशन कुछ वो और नाम लेकर अनावश्यक रूप से हिंदू संगठनों को अपमानित करके अपने आप को सेकुलर कहलाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही इस समस्या के मूल के अंदर है। यदि आंध्र प्रदेश के अंदर कोई ये मत कहना, फादर आपने एक टीवी डिस्कशन में कह दिया था कि ये हम लोग छपवा रहे हैं क्योंकि हमने इसके ऊपर केस किया था, दो पादरी पकड़े गए थे। अब इस तरह के यदि पोस्टर छपेंगे और बांटे जाएंगे ईसाई जगत के अंदर, जिसमें एक पुजारी को हाथ पर बांधकर डाला है और केवल एक ईसा मसीह आकर ही उनकी रक्षा करेंगे, आपका विवेक, में आपका विवेक कहता है कि इस प्रकार के पोस्टर आप दिखाएं भी नहीं? बिल्कुल कहता है, क्योंकि उसका कारण है कि जब तक हम इनको ये नहीं बताएंगे कि क्या गलत कह रहे हैं। मैं यदि ईसा मसीह के बारे में कुछ गलत कहता हूं, मैं निश्चित रूप से अपराधी हूं, लेकिन कोई कृष्ण के बारे में गलत कहे, कोई राम के बारे में गलत कहे, कोई द्रौपदी को वेश्या कहे, तो वो निश्चित रूप से मेरे लिए चिंता का विषय होगा। और सेकुलरिज्म पर आघात तभी होता है जब हम एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान करने की जगह अपमानित करते हैं, और जब धर्मांतरण को अधिकार मानते हैं तो फिर यह भाव स्वाभाविक आता है, हम दूसरे को हीन मानेंगे, अपने आप को सुपीरियर मानेंगे। और बाबर की संतानों से खून का बदला लेना है, ये नारा बोट क्लब लॉन्स पर, देखिए जब आप बोलते हैं तो सुनने की भी क्षमता रहती है। बिल्कुल, ये नारा बोट क्लब लॉन्स सुन रहे हैं इतनी देर से, आप अभी भी सुन रहे हैं सेकुलरिस्टों को, आप अभी भी नहीं सुन रहे हैं। ये नारा दिल्ली के बोट क्लब लॉन्स पर सन 1990 में लगाया गया था, जब ये रथ यात्रा शुरू होने वाली थी, बाबर की संतानों से खून का बदला लेना है। क्या इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करके आपने है, नवाजा है, सत्कारा है? नहीं, उसके पीछे का विनोद भाव समझना पड़ेगा। बाबर और मुशर्रफ में क्या अंतर? एक विदेशी व्यक्ति जो भारत को रौंद रहा है, मंदिर तोड़ रहा है, हत्याएं कर रहा है, हम उसको सम्मानित कर रहे हैं, उसके नाम पर सड़कें रख रहे हैं, शिवाजी को अपमानित कर रहे हैं, औरंगजेब को सम्मानित कर रहे हैं, ऐसा हुआ है क्या? निश्चित रूप से इस देश के लिए समस्या निर्माण होगी, और ये इसी कारण से हो रहा है। अब आप महाराणा प्रताप को अपमानित करें, शिवाजी को आप अपमानित किया था? अरे अभी जो पाठ्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन करने की कोशिश की गई वो यही किया गया। ओके अभिषेक, गुरु गोविंद सिंह को चोर और लुटेरा कहा गया और औरंगजेब को सम्मानित कर रहे हैं, पाठ्यक्रम में इतना ही तो परिवर्तन कर रहे थे कि गुरु गोविंद सिंह को सम्मानित स्थान दिला रहे थे, और सबने सेफ्रनाइजेशन कहकर उसका विरोध करना शुरू किया। अगर ये सेकुलरिज्म है, ये देश के लिए बड़ा घातक है। औरंगजेब ने सिर्फ गुरु तेग बहादुर को ही नहीं मारा था, औरंगजेब ने शाह सरमद को भी मारा था। औरंगजेब एक इंटॉलरेंट राजा था, लेकिन इंटॉलरेंट, एक मिनट सुनिए मेरी बात, इंटॉलरेंट राजा क्या इस्लाम से पहले नहीं हुआ करते थे? और अगर नहीं होते थे तो ये रामायण और महाभारत में ये जो जंग होती थी मुसलमानों के साथ होती थी? किसके साथ होती थी? वो हिंदू थे या आया वो ईसाई थे या यहूदी थे, कौन थे वो लोग?
महाभारत और रामायण में जो जंग हुई थी वो धर्म के नाम पर नहीं हुई थी, वो जेहाद के नाम पर नहीं हुई थी। करोड़ों लोगों को जेहाद के नाम पर मारा गया, करोड़ों लोगों को क्रूसेड के नाम पर मारा गया। इट इज द डिफरेंस। ओके, दोनों को इक्वेट मत कीजिए। एक मिनट, मैं बिना टोके कुछ बोला जा सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल बोला जा सकता है, आप चिंता ना करें। पहले अभिषेक अपनी बात करूँ। अगर इस ऐतिहासिक प्रतिशोध की थ्योरी में जाएं तो इनके कहने का जो रियल आप जब उनको बोलने तो दें, इनके कहने का जो रियल मतलब ये निकलेगा, मुझे याद आता है वो जब हुआ था इंडिया गेट में कैनोपी को तोड़ने की बात हुई थी, उसका एक बहुत बड़ा आर्गूमेंट ये दिया गया था कि हमको रूल किया है ब्रिटिश ने, इंपीरियल सिंबल है ये, सबको तोड़ा जाए। हमारी भारत की कम से कम आधा इतिहास, आधी हेरिटेज, आधे मॉन्यूमेंट्स, आधा आर्किटेक्चर, जो आधी सुंदरता है, उस सबको तोड़ना चाहिए तब तो, क्योंकि ब्रिटिश भी हमको रूल किया। यहाँ कई स्मारक हैं, कई टूम्स हैं, कई बिल्डिंग्स हैं। ये जो इनकी फीलिंग है कि जो पुराने वक्त में कुछ हुआ, हर चीज़ हुई जो कॉन्टेक्चुअल थी, आज उन प्रतिशोधों को, उन चीज़ों को निकाल के बाकी जो आज के लोग यहाँ रह रहे हैं उनसे प्रतिशोध करना, उनसे रिवेंज लेना, ये थ्योरी गलत है। और हमारे अगर हेरिटेज को, भारत की हेरिटेज नहीं रहेगी कोई अगर ये सही हो तो। मैं आपको क्या मैं मना कर रहा हूँ बोलने से? ठीक है, नहीं वास्तव में क्या, आप जब भी बोलना चाहते हैं, मैंने कहा आपको रोका है कभी क्या? नहीं, तो फिर आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, आपने कहा था जॉन साहब की बिना टोके बोलना मुमकिन है, कृपया आप अपनी बात कहें। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ ये जो बोल रहे हैं खुद अपनी व्याख्या खुद कर रहे हैं। चाहे सब बड़े सज्जन पुरुष हैं, इनके अखबार ऑर्गेनाइजर में जितना जहर साल में 52 हफ्ते निकलता है, वो जहर ताजरात हिंद के अंतर्गत जुर्म है। एक छोटी सी बात है। दूसरी बात, कोई भी धर्म कितना भी आज की तारीख में शांति प्रिय दिखता हो, उसकी हिस्ट्री में डार्क पैचेस हैं, खून के धब्बे हैं, अच्छाइयाँ भी हैं। किस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे, किस चीज़ की बढ़त करेंगे? क्या ये बचपना करेंगे कि हम पाक साफ हैं और बाकी सब दानव हैं? जी, मैं कमलेश आपसे जानना चाहूंगा, आई विल कम बैक टू यू सर। आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ क्लासरूम, बिलीव मी। जिस तरह का रिएक्शन यहाँ से सब तरफ से आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक क्लास में बैठी हूँ और बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। आई एम रादर अमेज्ड, बिकॉज एवरी टाइम कोई भी बात होती है तो कोई ना कोई पास्ट में चला जाता है या ऐसी बात उठाते हैं, उन्होंने ऐसा करा इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। मुझे तो बहुत हैरानी है, ये शायद पहली बार है कि मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है जो कि पॉलिटिक्स में है या अपने धर्म के नेताओं में से हैं, जिस तरह से बातचीत हो रही है, दैट्स मोस्ट अनएक्सेप्टेबल। अब हम देंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद जारी रखेंगे कार्यक्रम परख। कार्यक्रम परख में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा परिवार एक ऐसे स्थान से आता है जो इस वक्त पाकिस्तान में है, फ्रंटियर का इलाका है वो, जो कहा जाता है कि वहाँ पर शायद ओसामा बिन लादेन भी छुपा हुआ हो, डेरा इस्माइल खान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो मुझे मेरे बड़े बुजुर्ग बताया करते थे कि लाहौर स्टेशन पर, जब वो दिल्ली आ रहे थे, लाहौर स्टेशन पर दो किस्म के मटके रखे रहते थे, हिंदू पानी, मुस्लिम पानी। अमृतसर स्टेशन पर भी दो किस्म के मटके, हिंदू पानी, मुस्लिम पानी। मेरे दोस्त जावेद नकवी ने भी जो जिक्र किया उससे मुझे सवाल जहन में आया कि क्या हम धर्म को हर चीज़ में, धर्म को लाना, पानी में भी धर्म को लाना, कल को हवा में भी ले आए हम धर्म को, मिट्टी में भी धर्म को लाना, हर चीज़ में धर्म को लाना, ये कितना उचित है, पहली बात। दूसरी बात, भारत का भविष्य कहाँ है, धर्मनिरपेक्षता में है या नहीं है? जी शास्त्री, संक्षेप में मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ जैन साहब से या चारी जी से कि बाबर के संतानों ने बड़ी बड़ी इमारतें भी बनाई जिसमें आज का लाल किला और जामा मस्जिद है, जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री, विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वहाँ पे ले जाते हैं, और गर्व से हम कहते हैं कि ताजमहल भारत का एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ी इमारत है और हमारी शान है। तो क्या इस विचारधारा के मुताबिक ताजमहल या लाल किले को गिरा देना चाहिए? हम घड़ी की सुइयां वापस नहीं मोड़ना चाहते, हम राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना चाहते हैं, राष्ट्रीय पुरुषों को सम्मानित करना चाहते हैं, और इसलिए जो मंदिरों को तोड़कर केवल हिंदुओं को अपमानित करने के लिए मस्जिद बनाई गई थी, हम चाहते हैं कि वो पुनः और हिंदुओं को दे दी जाए, एक नया सौहार्द इससे निर्माण होगा। ये दूसरा, इन्होंने कहा है कि क्या उसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए कि लाल किला और ताजमहल भी तोड़ने चाहिए? तीन स्थान की बात की हमने, दिल्ली में जहाँ एस्टेब्लिश है कुव्वत इस्लाम, जो जहाँ पर लिखा है, आप लोगों ने लिखा है कि 36 मंदिरों को तोड़कर वो मस्जिद बनाई थी, हमने वो भी नहीं मांगी। जावेद साहब, आगरे का लाल किला, वो भी बादलगढ़ के मंदिरों को तोड़कर बनाया, लिखा है आज भी, हमने वो नहीं मांगा।
केवल तीन स्थान मांगे थे, 30,000 की बात तो की ही नहीं हमने। सच्ची बात यह है, लेकिन यह हर धर्मिता गड़बड़ करी। अगर इनकी विचारधारा कामयाब हो गई और हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स इस तरह से लिखी जा रही हैं, पीए नोक साहब इन्हीं की विचारधारा के एक शख्स हैं, एक हिस्टोरियन अपने आप को कहते हैं, उनके हिसाब से तो ताजमहल जो है वो एक हिंदू मंदिर है, तो उसको तो ये तोड़ नहीं सकते, इसलिए कि वहाँ पे तो फिर शिव का वो होना चाहिए। जॉन साहब, सैकड़ों हजारों 10,000 बुद्ध विहार स्तूपा तोड़े गए मुसलमानों के आने से पहले। किसने तोड़े? क्या वजह है कि बुद्ध के देश में जहाँ वो पैदा हुआ, मेरी खाल के रंग के और आपकी खाल के रंग के बुद्धिस्ट नहीं है, न्यू बुद्धिस्ट है। जी जी, मेरा चार साहब बहुत संक्षेप में कह रहे हैं संघ के बारे में, हमारे बारे में। मैं चार साहब बैठे हूँ, मैं उनसे भी जवाब देता हूँ। इतिहास के अनेक पन्ने संक्षेप में, चार साहब समय कम है, इतना ही चाहते हैं कि अगर इंडोनेशिया का मुसलमान ये कह सकता है कि हमने अपना धर्म बदला है परंतु अपने पूर्वजों को नहीं बदला, हम इतना ही चाहते हैं इस देश के मुसलमान और क्रिश्चियन से कि वो ये कह दें कि इस देश की गंगा और इस देश की जमुना भी, इस देश का कावेरी, इस देश की सारी नदियाँ, इस देश के उत्सव, ये सब हमारे ही हैं, हमने धर्म बदला लेकिन हमने पूर्वज नहीं बदला, इतना अगर कह दें। आपको तो क्या एतराज है जावेद साहब ये कहने में? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो इन लोगों ने, माफ़ कीजिएगा लफ्ज़ है, जहालत फैलाने का ठेका इन्हीं का नहीं है। इससे पहले जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी ने भी अच्छा खासा रोल अदा किया है। जब उन्होंने, सुनिए मेरी बात, जब उन्होंने सेटेनिक वर्सेस को बैन किया था मुसलमानों को अपीस करने के लिए, जब उन्होंने शाहबानों वाला किस्सा छेड़ा था एक सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को उलटने का, वो इन लोगों के हाथ मजबूत करने का काम किया था। मेरे ख्याल से दोनों कल्पेबल हैं इस वक्त कम्युनलिज्म को फैलाने में, और सेक्युलरिज्म के पे आघात जो हो रहा है वो दोनों इसमें कल्पेबल हैं एक वक्त। दो पॉइंट, एक तो जहां तक शाबानों केस का सवाल है, संसद ने वही किया जो उसका अधिकार क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट अगर संसद चाहे तो बाद में एक एक्ट पास करके जो उसका बेसिस है, फाउंडेशन है, उसको हटा सकती है। ये कानून में परमिटेड है और सिर्फ वही किया उन्होंने। लेकिन दूसरा जो मैं, आपका मुद्दा इसमें है विचार विमर्श का कि क्या इसका क्षेत्रफल कहां पर है, भविष्य क्या है, वे वी आर गोइंग, सेक्युलरिज्म का क्षेत्रफल कम हो रहा है या क्या हो। मेरा मानना है कि जितने भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं देश में, जितने भी यहाँ आघात हुए, उसके बावजूद सेक्युलरिज्म का भविष्य बहुत चमक रहा है। और आप देखें कि जब भी इस देश में सेक्युलरिज्म पे किसी प्रकार का भी आघात हुआ है, तो राजनीतिक पार्टी छोड़ें, आप कांग्रेस का जो क्षेत्र बढ़ा है वो छोड़ें उस बात को, लेकिन हर इंस्टीट्यूशन रिएक्ट करता है। अभी आपको बहुत अच्छे दो उदाहरण मिले, जब भी यहाँ पर कुछ हुआ तो मीडिया ने जम के, अगर सेक्युलरिज्म में कोई आघात हुआ तो उसका उन्होंने अपोजिशन किया है। इलेक्शन कमीशन ने, हमारे इंस्टीट्यूशन बहुत मजबूत है और ये इंस्टीट्यूशन ही हैं जो आगे भविष्य में धर्म निरपेक्षता को बचा के रखेंगे इस देश में। मैं कमलेश आपसे जानना चाहूंगा कि जो बुनियादी सवाल था कि भारत का भविष्य किस तरफ है, सेक्युलरिज्म में है या नहीं है, उसको कितनी गंभीरता से लिया गया, किस प्रकार का जवाब आपने सुने? बड़ी बेकार। देखिए, जवाब तो बहुत आए, लेकिन अगर उन सब में से थोड़ा थोड़ा लिया जाए तो मेरे ख्याल में हमारे पास कुछ रोशनी हमें दिखती है। और मेरे को सबसे ज़्यादा रोशनी जो दिखती है वो ना तो धर्म के ठेकेदारों में दिखती है, ना मेरे को पॉलिटिकल लीडर्स में दिखती है, वो एक ऑर्डिनरी कॉमन इंसान में दिखती है। क्योंकि आज भी इतना ज़्यादा जहर फैलाने के बावजूद भी अगर आप एक ऑर्डिनरी आदमी से सड़क पर बात करें तो वो इन सब चीज़ों के लिए, जिनके बारे में लोग बहुत फख्र से कहते हैं कि जी हमने ये करा, और हमारे एक सीएम साहब हैं जिन्होंने ऊंची ऊंची स्पीचेस दी हैं और बड़ी बातें करी हैं, लेकिन उसके बावजूद हर आदमी उनके साथ इत्तफाक नहीं करता। और ये मुल्क मेजॉरिटी यहाँ पर हिंदू लोगों की है जो हिंदू धर्म को मानते हैं, और अगर आज भी ऐसे हमारे पास ऑर्डिनरी लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर इस जहर का असर नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल में इस मुल्क का जो फ्यूचर है वो अब भी मेरे ख्याल में सेफ है। जो कमलेश ने कहा कि अगर बावजूद नेताओं के, बावजूद धर्म के ठेकेदारों के, जो आम जनमानस है, संस्कारनिष्ठ है, समाज है हमारा, वो सहिष्णु है, एक दूसरे को मानकर चलता है, उसे सदियों से कभी कोई समस्या नहीं रही, और भविष्य जैसे कमलेश जी कह रही हैं और भी लोग भी मान रहे हैं, इसी में है कि सब मिलजुल कर रहे हैं। कार्यक्रम परख में अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें, नमस्कार।